सुनते हैं एक और लोक कथा जिसका नाम है चतुराई आइए सुनते हैं एक गरीब आदमी था एक दिन वह राजा के पास गया और बोला महाराज मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं कृपया करके आप मुझे पांच हजार रुपए दे मैं पांच वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे पांच हजार दे दिए पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के पांच हजार रुपये नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला जब भी राजा वहां जाता बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता एक दिन फिर उस राजा उस व्यक्ति के घर गया वहां और कोई तो नहीं दिखा छोटी लड़की बैठी थी राजा ने उसी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहां हैं लड़की बोली पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं राजा ने फिर पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है लड़की बोली बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं राजा के समझ में एक बात भी नहीं आ रही थी इसलिए वह फिर पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है लड़की बोली माँ एक से दो तो करने गई है राजा उसके वोल जलवोल जवाब से खिंच गया गुस्से में पूछता है और तुम यहां बैठी क्या कर रहे हो लड़की हंसकर बोली मैं मैं घर बैठी संसार देख रही हूं राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बताना पड़ेगा राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा बेटी तुम्हें जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका तो मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओगी लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र तीव्र उत्कंठा थी वह बोला जो मांगोगी वही दूंगा तब लड़की बोली ठीक है आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा आप तो सारी बातों का अर्थ समझा दो लड़की बोली महाराज आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती कृपया करके आप खलाएं। कल आए कल मैं जरूर बता दूंगी राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया आज वहां सभी लोग मौजूद थे वह आदमी उसकी पत्नी बेटा और उसकी बेटी भी राजा को देखते ही लड़की पूछी महाराज आपको वचन याद है ना राजा बोला हाँ मुझे याद है तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा लड़की बोली सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है बस पहली बात का अर्थ यही है दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं इसका मतलब था कि वे रेंगने के कांटे को काटने गए थे अगर कोई भी रेंगने के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटे गर ही जाएंगे यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोचे आएंगे ही राजा उसकी बातों से सहमत हो गया वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा उसे कही थी कि माँ एक से दो करने गई है इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे एक का दो करने गई है अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग हो जाता है यानी यही था एक का तो कर रही थी और उसमें से चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं और चौथी बात तो उस समय मैं भात बना रही थी और इसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठ देख रही थी ये कहकर लड़की चुप हो गई राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया फिर राजा ने कहा बेटी तुम तो बहुत चतुर हो पर एक बात समझ में नहीं आई कि सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया लड़की हंसकर बोली मैं तो बता ही चुकी हूं कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या चल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती फिर कल फिर घर में कल कोई भी नहीं था अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है जहाँ इन्हें भी इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी राजा लड़के की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा बेटी ये अपनी चतुराई का पुरस्कार तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया समाप्त